everyone, this is Menkaman and welcome to our channel Menkaman's Entertainment once again. मैं काफ़ी दिनों से मुझे अर्जुन डिमांड कर रहा था कि मम्मा नमकीन पोहा बनाइए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा मतलब कोई टाइम नहीं मिला, या टाइम मिला तो मैंने बनाया भी तो बनाया तो मैंने उसको कभी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे एक बार ना मेरे चैनल पे किसी ने आई थिंक सचिन ने बोला था कि दी आप एक बार नमकीन पोहा की रेसिपी अपने चैनल पे शेयर कीजिए, तो मुझे जब याद आया तो मैंने सोचा कि अब मैं बना ही रही हूँ तो क्यों ना मैं इसको शूट करके अपने चैनल पर इसका रेसिपी डालूँ। मतलब नमकीन पोहा जो है वो एक तरह का स्नैक है। स्नैक मीन्स जैसे कि आप नमकीन पोहा जैसे कि आप बनाते हैं जो खाने के लिए जो वेजिटेबल्स के साथ, वो तो होता है कि इंस्टेंट आप बनने बनाया और खा लिया, लेकिन ये वाला जो पोहा है इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, स्टोर कर सकते हैं कम से कम एक हफ्ते के लिए। अभी जैसे विंटर्स थे तो उसमें आप थोड़े से ज़्यादा दिन भी इसको चला सकते हैं, लेकिन अभी जैसे कि समर आ गए हैं आपको पता है, तो उस हिसाब से इसको आप 5-6 दिन हफ्ता तक आराम से रख सकते हैं। किसी इसको बिल्कुल ठंडा कर लीजिए, बनाने के बाद ठंडा करने के बाद इसको आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। मेरी 2-3 फ्रेंड्स ने या मेरे से जितने जनों ने भी इसको खाया है उन सबको ये बहुत ही पसंद आया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी आज इसकी रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए बनाते हैं नमकीन पोहा। आर यू रेडी? रेडी आ जाओ। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, मैंने यहाँ पर 3 मिर्चियों को 2-2 पीसेस में कट कर लिया है, 2 प्याज को बारीक काट लिया है। इसके लिए हमें चाहिए पीनट्स यानी मूंगफली के दाने। आप यहाँ पे कोई भी नमकीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें यूज़ करा है कुरकुरे का चटपटा मिक्स। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 175 ग्राम। और मैंने यहाँ पर 3 पैकेट पोहा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, मैंने बड़े साइज़ का बर्तन लिया है क्योंकि मेरी पोहे की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर आप लोग कम करेंगे तो आप छोटे बर्तन में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और ये जो हमने पीनट्स ली हैं इसको हम इसमें डाल देंगे। हमें इन पीनट्स को ऐसे ही बिना किसी घी के या किसी भी चीज़ के इसको ऐसे ही ड्राई इसको भूनना है। जब ये हल्का हल्का भूनने लग जाए या थोड़े से ये गर्म होना शुरू हो जाए तो आप इसके गैस की फ्लेम को कम कर सकते हैं। इसको बार बार चलाते रहे ताकि ये नीचे लग के जल ना जाए। हम इसको ऐसे ही बीच बीच में चलाते रहेंगे। चलाते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं और इसमें से खुशबू थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा टाइम और लगेगा। देखिए अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब मुझे इसको भूनते हुए कम से कम 10 मिनट हो गए और जब तक ये अच्छे से रोस्ट नहीं हो जाती हम इसको नहीं निकालेंगे। Thank you.
से रोस्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको किसी बर्तन में निकाल देंगे। अभी हम गैस को फिर से चालू करेंगे और इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। ये थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तेल डाल दिया, लेकिन मैंने इसमें इतना ज्यादा ऑयल नहीं डाला। लगभग एक कड़छी के आसपास मैंने इसमें वो डाल दिया है ऑयल। और पूरी के पैकेट जो है वो तीन है हमारे। जैसे ही थोड़ा ये गर्म हो जाए हम इसमें हरी मिर्ची कटी हुई वो डाल देंगे। आप थोड़ा दूर रहे क्योंकि ये जो इसके बीज हैं वो छल गए। अब हम इसमें प्याज मिक्स कर देंगे। प्याज को थोड़ा अच्छे से भूनेंगे ताकि इस कबाब में जो कच्चा है, जो कच्चेपन की वजह से इसके बहुत जल्दी ख़राब ना हो। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया। अभी हम इसके अंदर जो हमने पीनट्स रोस्ट की थी वो डाल देंगे। अब इसको प्याज के साथ थोड़ा सा और भून लेंगे। गैस की फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखी है। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। मतलब जितना नमकीन आप चाहते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से आप उतना नमक डाल सकते हैं। वैसे इसमें लगभग 3 से 3.5 चम्मच सॉल्ट जो है डल जाएगा क्योंकि मेरे पोहे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। हम बाद में इसको चेक कर सकते हैं। अगर कम हुआ हम तो उसको बाद में भी डाल सकते हैं। नमक के साथ इसको अच्छे से थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। ये रेसिपी मैंने भी एक बार किसी यूट्यूब चैनल पे ही देखी थी, तो जब मैंने ट्राई किया तो ये इतना अच्छा लगा कि पता नहीं कितने लोगों ने मेरा ये बना हुआ पोहा खाया। सबको ये बहुत पसंद आया।
अभी काफ़ी भून चुका है, अब हम इसमें हमारा पोहा मिक्स कर देंगे। फ्लेम हमारी मीडियम पे है, अब मैंने इसमें तीनों पैकेट पोहे के मिला दिए हैं, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको एक बार फ्लेम को हाई कर देंगे। अब हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और इस पोहे को पूरा क्रिस्पी होने तक इसको पकाएंगे, जब तक ये पूरा क्रिस्पी नहीं हो जाता। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम ही लेगा ही लेगा, मोर देन 15 to 20 मिनट्स, लगभग आधा घंटा इसमें पोहे को पकने में लग जाएगा। हम इसको सिम पे करके छोड़ के रख सकते हैं, बीच बीच में आके चला सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसके पास ही खड़े रहें। मतलब आप इसको ऐसे ही रख के फ्लेम को लो करके आप लोग अपना आराम से कोई भी दूसरा जो आप काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, बट बीच बीच में आके आप इसको बार बार एक दो बार आके चलाते रहें, लेकिन जब तक ये पूरा क्रिस्पी नहीं हो जाता इसको बंद मत करें, क्योंकि जब तक ये क्रिस्पी नहीं होएगा तो ये खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी इसको रोस्ट करते हुए 15 मिनट 20 मिनट हो चुके हैं, आप देखेंगे इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। मैंने इसको बीच बीच में हिलाती रही ताकि ये नीचे लगे ना और सब तरफ से बराबर रोस्ट हो जाए। आप इसको क्या करें, आप ऐसे 2-3 दाने इसके हाथ में लेके इसको टेस्ट करें, आपको पता चल जाएगा कि अगर ये क्रिस्पी हुए इसकी आवाज़ आएगी आपके मुँह से और आपको पता चलेगा क्रिस्पी हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा इसको क्रिस्पी करें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो अब हम इसमें लास्ट स्टेप हमारा जो है कुरकुरे का चटपटा मिक्स वो हम इसमें मिक्स करेंगे। अभी मैंने फ्लेम को हाई पे कर दिया है, कर देंगे और 10-20 सेकंड के लिए थोड़ा सेक लगा देंगे। अब इसको भूनते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, अब मैं इसको फ्लेम को जो है वो बंद कर दूंगी। अब हम इसको बिना पंखे के ऐसे ही खुले हवा में ठंडा होने देंगे और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब आप इसको इस एक कंटेनर में डालकर, एयरटाइट कंटेनर में डालकर इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये पूरा ठंडा हो जाए आप इसको स्टोर नहीं करिए। फ्लेम बंद है, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा मिक्स करूँ ताकि अभी नीचे से जो इसका पैन का जो तला है वो जो कढ़ाई का तला है
वो गर्म है इसलिए मैंने इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना प्यारा लग रहा है, खाने में ही उतना ही टेस्टी लगता है। तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि आपने इसको ट्राई किया और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हाय, तो फाइनली हमारा पोहा बन के रेडी है। आप देख रहे हैं मुझे कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है इतनी गर्मी में, माय गॉड। इसको बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन इट्स ओके, बच्चों के लिए कुछ भी। तो चलिए कुछ 2 मिनट रेस्ट करके पहले थोड़ा पसीना सुखाते हैं, उसके बाद में कुछ ठंडा ठंडा पीते हैं, अदरवाइज गर्मी में तो। ये है आम पन्ना, इसमें मैंने पुदीना डाल के इसको तैयार किया है। इसको भी हम जो आपने देखा मैंने वो चम्मच के साथ जो इसमें 2-3 टेबल स्पून इसमें डाले वो था आम पन्ना, उसको भी हम 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। वो भी मैं रेसिपी मैंने कहीं से देखी थी, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया या मेरी पोहे की रेसिपी पसंद आई तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो, ताकि आप, और उसके साथ साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चीयर्स।